Hello guys, welcome to Girls Popping Live on ARY Musik. This is Becks, hope you guys are doing well. You can call us live if your call's not going through. Leave your message on my Facebook page, which is Becks Khan. Aur jo hai aaj hamara jo hai week ka last day hai, Thursday. Hopefully aap log ka din jo hai acha guzar raha hoga. Abhi to it's 4 o'clock in the evening. Hopefully jo hai is time tak to sare sabke kaam ho jate hain. They're just saying why to obviously apna time spend karna chahte hain evening ke time par. But anyways, ये मैंने उल्टा नहीं पकड़ा हाँ सो इट वॉज अपसाइड डाउन एनीवेज हमारा जो आज की आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो ये है आपने स्कूल में सबसे फनी काम क्या किया है और अगर किया है कोई ऐसा काम जो हमारे साथ डिसेंसी वाला जो काम हो जो आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे ऑडियंस के सारे किसी के साथ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तो ऑल यू हैव टू डू इज आप हमें कॉल करें और जो भी हमें सही आंसर कोई अच्छा कोई हमें लगा कि अच्छा आंसर दिया है हम उनको जो है बैलेंस देंगे तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं अगर आपने स्कूल में कोई सबसे फनी काम किया है और जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है वो कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है सही बोला मैंने हाँ वो कौन सी बात है आपको जो परेशान करती है और हर किसी को होता है ना कभी कभार एवरीडे लाइफ में अपनी लाइफ जो है गुजार रहे हैं और होती है एक ऐसी बात हर किसी के साथ होती है कि वो उसको लेकर बहुत ही टेंशन में रहते हैं और बहुत ही स्ट्रेस रहते हैं कि ये किस तरह मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है अगर लड़कियों की बात की जाए जिस तरह यंग टीनेजर यू नो मोस्ट ऑफ ऑल अगर स्कूल में अगर जिस तरह होती हैं ऑल दे वरी अबाउट इज़ अपने कोई ऐसी चीज़ जिससे वो परेशान होती है आई थिंक इट्स रिलेटेड टू लाइक पढ़ाई के रिलेटेड बहुत ही परेशान रहते होंगे कि होमवर्क करना होमवर्क करना होमवर्क करना जो ये सारे जो बच्चे होते हैं जिनको ऑब्वियसली व्हेन यू जस्ट गो इन योर प्राइड यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ अपनी स्टडीज़ पर फोकस आप रखते हो और जो है अगर पढ़ाई पे फोकस रखोगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ आपके फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइटेंड अप लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है अगर आपने स्कूल में कोई फनी काम किया है तो आप हमें कॉल करके बताएं हम आपको बैलेंस देंगे सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कॉल करें और कॉल करके हमें बताएं कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया आपने जो हमें आप बताएं कि आपने कभी स्कूल में सही और स्कूल में वैसे भी इस तरह की हरकतें होती रहती हैं यू नो जिस तरह Like children, right? How they just mess about and stuff. How they just, you know, go out and have fun with the teachers and stuff. Mostly, जो इस teachers इतने strict होते हैं और कुछ teachers होते हैं जो बहुत, you know, they're just so white. You know that they know that you know, इतने strict नहीं होते. तो ये जो है जिस तरह school life होती है school life तो oh my god, I really really miss my school life. But I was just like a childish, like I was too childish. I was obviously because I was a kid when I was in school and I was like way too immature and I was a quiet one because like aajkal jo hai har koi sach nahi bolta apne baare mein you know when you ask somebody how your school life was how you were like a student so they just turn around they go like oh it was perfect and I was a perfect kid you know kabhi agar और रियलिटी में परफेक्ट अगर नहीं भी होते तो बोलते हैं हम तो हर चीज़ में अच्छे थे ये तो बस आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट अपने पे हो रहे हो ना जिस तरह इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप जिस तरह कॉन्फिडेंस होता है इस पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह सही वे में अपना कॉन्फिडेंस को लेकर चल रहे हो यानी कि मिस यूज़ कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा यू नो लाइक इफ यू जस्ट लाइक मिस यूजिंग इट इफ़ यू कैन से इफ दैट मेक सेंस तो इस तरह की जो चीज़ें होती रहती हैं बट एनी वेज आप हमें कॉल करें कॉल कर बताएं अगर आपने किया है कोई इस तरह का प्रैंक यू नो प्रैंक्स इस तरह आजकल के इतने जिस तरह प्रैंक्स एज इन प्रैंक्स को उर्दू में क्या कहेंगे प्रैंक किसी को करना यू नो जस्ट टू मेक उनको फूल करना या समथिंग लाइक दैट जिस तरह अप्रैल फूल्स होता है उस पर हम जो है मजाक करते हैं लोगों के साथ जाके और उनको जो है कोई ऐसी स्टोरी बताते हैं जो रियल होती ही नहीं है सो इट्स नॉट आई वुडन्ट कॉल इट दैट वे उसको प्रैंक नहीं कहेंगे प्रैंक दूसरा होता है कि आप किसी को कॉल करके तंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ आई थिंक इट वुड बी लाइक दैट बिकॉज लाइक इफ यू जस्ट कॉलिंग समबडी राइट एंड यू जस्ट यू लाइक चेंज योर नंबर और समथिंग लाइक दैट आप किसी अननोन नंबर से आप किसी अपने जाने वाले को कॉल कर रहे हो एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हो इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स और योर सिबलिंग्स सो आई हैव ट्राइड इट मायसेल्फ बट आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स मैंने इतनी प्रैंक कॉल्स की हैं व्हेन आई वाज लाइक अ टीनेजर व्हेन आई वाज लाइक बहुत चार साल पहले मैंने प्रैंक कॉल्स की थी I think it was 4 years back or 3 years back. लेकिन बहुत सारी जिस तरह प्रैंक कॉल्स होती हैं और जिस तरह आप प्रैंक्स करते हो रियल लाइफ में कुछ प्रैंक्स होते हैं बहुत ही यू नो दे आर नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू टॉक अबाउट इट लाइक अगर किसी को कोई बीमारी है या इन अ सेंस इफ दे को लाइक पैनिक अटैक इश्यू जिस तरह पैनिक अटैक्स लोगों को हो जाते हैं अगर कोई भी उनको बात जो है बता दो लाइक कोई अगर इफ दे गेट इट बैड न्यूज़ राइट दे विल जस्ट गो लाइक के ओ माय गॉड आई एम नॉट फीलिंग वेल गो पैनिक अटैक्स एंड स्टफ दे विल जस्ट स्टार्ट पैनिकिंग सो दैट्स व्हाट यू कॉल लाइक इफ यू जस्ट प्रैंकिंग समबडी यू शुड बी केयरफुल यू शुड नो बिफोर यू प्रैंक समबडी इफ यू लाइक इफ यू थिंक दैट द अदर पर्सन कैन हैंडल इट इफ यू थिंक कि उनको भी इस तरह की इशूज़ हैं हेल्थ वाइज कोई भी इशूज़ इस तरह हैं
You know, you need to be careful क्योंकि इस तरह के बहुत सारे issues हो जाते हैं इस पे बहुत सारे articles भी निकलेंगे जिस तरह आप किसी को तंग करते हो और उनकी जो तबीयत खराब हो जाती है so it's just all about that लेकिन हमारा जो question आप लोगों के लिए वो ये आप हमें call करें हम आपसे question पूछेंगे उस पे हम आपको balance भी देंगे I'm going to be going for a break guys don't worry back keep watching Girls Public Hello guys, welcome back from the break. You are watching Girls Before Break. आप हमें call कर सकते हैं और अगर आपकी call नहीं मिल रही तो मेरे पेज पे आप message भी drop कर सकते हैं. Today we're just talking about आप लोगों के लिए हमने question रखा है. अगर आपने school में सबसे funny हाँ मेरा Facebook का page भी नाम लिखा है आप उस पर भी अपनी feedback drop कर सकते हैं जो कि मैं read out करूँगी last link में हमारा question आपके लिए ये जिस पे आपको balance मिल सकता है. So guys, please dial the number and call us. और क्वेश्चन ये है आपने स्कूल में सबसे फनी काम क्या किया है हर कोई लाइफ में जो है हरकतें करते हैं उल्टी सीधी स्कूल में कर लेते हैं लोग जो होते हैं बच्चे और यू नो हाउ इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू लिव योर स्कूल लाइफ एंड दैट्स हाउ व्हेन यू गो इन कॉलेज राइट यू जस्ट रिमेंबर द टाइम व्हेन यू वेंट स्कूल एंड हाउ इट वाज लाइक हाउ इट वाज ऑल परफेक्ट एंड स्टफ सो इट्स ऑल अबाउट यू नो कि स्कूल में अगर आप इसने अगर इफ यू डोंट एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ इन स्कूल सो प्लीज डू कॉल अस और शेयर करें हमसे और हमें अगर लगा कि कुछ बहुत ही फनी है तो हम आपको जो है बैलेंस देंगे हमारे पास कॉल है हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहा है सोबिया बात कर रही हूँ सोबिया कहाँ से कॉल की है कराची से कॉल की है और आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल की है अच्छा फर्स्ट टाइम की है क्योंकि मैं पहले भी एक कॉल आई थी तो सोबिया के नाम से वो आती नहीं नहीं फर्स्ट टाइम कॉल मिली मेरी ओके तो ये बताएं आप क्या करती हैं मैं हाउस वाइफ हूँ हाउस वाइफ हैं अच्छा सही है तो आप बहुत दिनों से मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी अच्छा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका थैंक यू अच्छा ये बताएं हमारा जो क्वेश्चन है जिस पे बैलेंस मिल सकता है अगर फनी कोई आंसर हुआ क्वेश्चन ये कि अगर ऑब्वियसली हर किसी की स्कूल लाइफ होती है तो स्कूल में अगर आपने कोई फ़नी काम किया वैसे हाँ एक दफ़ा हम लोग ने ये काम किया था कि हम सब यानी के फ्रेंड थे उन्होंने ये किया कि जिस चेयर पे टीचर आके बैठती थी जी वो फॉर्म की थी क्या थी फॉर्म होता है ना जी जी उसकी जो गद्दी थी वो फॉर्म की थी अच्छा अच्छा सही तो उसको पूरा हम लोगों ने गीला करके और रख दिया था और जब टीचर आके बैठी तो जाहिर है जब फॉर्म दबा तो नीचे से पूरा पानी गिरा ओह माय गॉड तो इतना सब हंस हंस के तो वो टीचर यही पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं उनको तो नहीं पता था तो आप लोग क्यों हंस रहे हैं आप लोग क्यों हंस रहे हैं फिर उनको जब पता जब उनके पूरे कपड़े गीले हो गए सब कुछ तो वो उठ के फिर बहुत नाराज़ होकर चले गए तो ये फनी हम लोग ने यानी कि ऐसे ही किया था मगर हम लोग को इतना वो नहीं था कि हमारी टीचर इतना नाराज़ हो जाएंगी फिर हमने सॉरी भी किया उनसे बाद में अच्छा अपोलोजाइज भी किया नहीं कॉलेज लाइफ में स्कूल में हाँ तो आपने सॉरी भी उनको किया हाँ हम लोगों ने सॉरी किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी अपोलोजी हाँ, कर लिया था कहने नहीं बच्चे ऐसा कर लेते हैं मगर आइंदा ऐसा मत करिए कुछ टीचर्स होती हैं तो वो तो आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करती बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं कुछ होती हैं कर देती हैं उस वक्त यानी कि पूरी क्लास को बस यानी कि पूरी क्लास ही बहुत हंसी थी अच्छा सही है तो ये अच्छा तो हमारा जो टॉपिक हम जिस पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह हर किसी की लाइफ में जो है परेशानियाँ आ जाती हैं और कभी कभार कुछ लोगों के साथ होता है कि एक ही उनके साथ जो है हर वक्त एक टेंशन घूमती रहती है और उनके सर से उतरती नहीं है तो आपको क्या लगता है आपके साथ कोई ऐसी है चीज़ जो आप उस बारे में हर वक्त परेशान रहती हूँ यानी कि टेंशन तो देखें दुनिया में यानी कि हर एक के साथ ही होती है अब बात यह है कि उस टेंशन से आपको किस तरह मुकाबला करना है किस तरह उस टेंशन से निमटना है ये भी आपके अपने हाथ में होता है अगर उस टेंशन को आप लेके बैठ जाएंगे तो फिर तो आप आगे दुनिया में बढ़ ही नहीं सकती ना टेंशन देने वाले तो दुनिया में बहुत होते हैं मगर वही बात है कि जिसको टेंशन होती है सिर्फ वही समझ सकता है जी मगर यह है कि उससे मुकाबला करना चाहिए और यह है कि जाहिर है आपकी सेहत ख़राब होगी आप पे आपके बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा तो यह है कि उससे निमटना चाहिए राइट ही बट थैंक यू सो कॉलिंग आपने सही कहा जैसा होती है जिस तरह परेशानी हम लेकर हर वक्त जो सर में रखते हैं बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू और जो है हम यहाँ बात कर रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद मी हम यहाँ इस टाइम का जो हो जाता है यू नो यू जस्ट हैमर एंड स्टफ एनी वेज हमारे लिए आपके लिए हम क्वेश्चन जो आपने हम वो वी स्कोर फॉर यू इज अगर आपको लगता है कि आपने स्कूल में कभी कोई फनी काम किया है या किसी के साथ भी जैसा उन्होंने अभी बताया दिया उन्होंने टीचर्स के साथ किया था और टीचर्स के साथ अगर मैंने कभी नहीं किया नो दैट आई रिमेंबर फॉर श्योर ये तो मुझे बात याद है कि मैंने कभी इस तरह कोई नहीं किया लेकिन मेरी बहन ने बहुत किया है
Like my sister, right? उसने इतने उल्टे सीधे काम स्कूल में किए that I can actually say कि उसने सही में अपनी स्कूल लाइफ इंजॉय की है. और फिर आगे चल के जाहिर फिर बातें आ जाती हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही शरीफ होते हैं, जिस तरह यू नो आई वाज लाइक, एंड जिस तरह कुछ होते हैं बहुत ही लाइक डेविल काइंड ऑफ वंस. जस्ट फॉर इंस्टेंस माय सिस्टर, शी इज़ लाइक दैट. और इस तरह की जो होती हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कॉलेज में जाके ज़्यादा जो है ओपन अप होते हैं और जो है कॉलेज में वो स्कूल में इस तरह उनको लगता है कि इट्स गोना बी यू नो आपको कोई पनिशमेंट मिल जाएगी. ऑब्वियसली पनिशमेंट्स तो बहुत होती हैं. और कुछ समझते हैं कि नहीं, स्कूल में आप सारी इंजॉय करो लाइफ में, आगे चल के जो है कॉलेज में तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है बिकॉज यू मैच्योर्ड राइट एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर एंड योर गोल्स एंड व्हाट यू वांट टू अचीव. सो बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट, अगर आपने कोई स्कूल में काम ऐसा कोई किया है हमें कॉल करें, कॉल करके बताएँ कि क्या ऐसा आपने काम किया है जिससे हमें ऑब्वियसली शुड बी फनी. एंड अगर हमें लगा कि आपने कोई फनी आंसर हमें दिया तो हम आपको बैलेंस देंगे. तो अपनी फीडबैक भी मेरे पेज पे ड्रॉप कर सकेंगे. और इस वीकेंड भी कम पर शॉप ब्रेक डोंट लीव, आई कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू आर वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड इफ यू कॉल्स आर गोइंग थ्रू लीव अ मैसेज ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज बेक्स कॉन. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ किड्स दे एंजॉय इन स्कूल, दे जस्ट मिस अबाउट एंड just like prank around and store with the teachers, with the students, with the ones they don't like. You talk about mean girls, just a mean group hota hai ladkiyon ka, unke saath jis tarah school mein fun kiya jata hai and all that. To hamara aapke liye, we've got this question for you, jiske bare mein jo hai aap hame answer kar sakte hain call karke. Agar hame laga ki koi funny answer hai to hum aapko balance denge. So all you have to do is call me laaye aur hame bataye ki agar aapne school mein koi aisa kaam kiya hai. और साथ हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जिस तरह हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ होती हैं और कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं उनके सर से हटती नहीं है, बस उनको हर वक्त वो चीज़ रहती है. जस्ट यू नो इट्स देयर राइट एंड यू हैव टू यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड जस्ट स्ट्रेसेस यू आउट इवन मोर एंड मोर. सो दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. हमारे पास कॉल है या नहीं है. हेलो हेलो, क्या वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है जी? मैं हफ्ता बात कर रही हूँ. हफ्ता कहाँ से कॉल किया? कराची से. अफसा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. आपने पहले भी कॉल की थी ना? जी की थी. की थी जी, आपको याद है? हाँ जी. हाँ मुझे याद है, अभी थोड़ा सा मुझे याद रह रहा है कि एक बार मेरे बर्थडे थी तो मैंने जब कॉल की थी आपको. मुझे याद है क्योंकि जो है बर्थडे वाला तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. और अगर रेगुलर कॉल करते हो ना तो मुझे याद रहता है. अच्छा जी. अफसा ये बताओ दिन कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहे हैं. क्या कर रही हो आज? के क्या प्लान है आज का? कुछ प्लान वैसे है नहीं, और कल का था हमारा प्लान. क्या कल तो अभी खाला के घर जाएं सब मिलकर. अच्छा फैमिली टाइम, श्योर दैट्स रियली गुड. ये बताओ कि स्कूल में अभी स्कूल में तो नहीं हो ना? स्कूल में हूँ. अच्छा ओके सॉरी आई फॉरगॉट. तो स्कूल में जो है जिस तरह लाइफ आप इंजॉय करते हो, स्कूल लाइफ जो होती है आपकी, सो कभी स्कूल में आपने कोई ऐसी मस्ती वगैरह कुछ किया है टीचर्स के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ या उनके साथ जो आपको पसंद नहीं है? जी मैंने की थी अपनी फ्रेंड के साथ, उससे मेरी लड़ाई हुई थी बहुत ज्यादा, तो खो गई थी तो मुझे उससे बच. कॉल्स व्हेन ड्रॉप. और मुझे ये सुनना था क्योंकि लड़ाई हो गई थी, जिसके साथ लड़ाई हो जाए उसके साथ क्या ऐसा किया. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्कूल के बारे में. आप भी हमें कॉल करके बताएं कि आपने ऐसा क्या किया स्कूल में जिसके लिए जो है यू नो इट्स स्टेटेड एज हिलेरियस. तो अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको बैलेंस देंगे अगर इसका आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, विच ए स्कूल में अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है यू नो हिलेरियस खाना स्टफ. सो दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. साथ साथ क्वेश्चन टॉपिक जो हमारा है जिस तरह टेंशन, हर जगह टेंशन ही टेंशन हर किसी के माइंड में चल रही होती है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको भाई एक लाइफ मिली, आप अपनी परेशानियां छोड़ के अपने सर से उतार के यू विल फील अ बिट लाइट. अभी कुछ सेकंड्स के लिए अगर अपने माइंड सारा क्लियर कर दें सारा, कितना अच्छा लगेगा. यू नो इट्स गोना फील सो यू गोना बी ऑल रिलैक्स्ड. अगर माइंड साफ थोड़ी सी अपनी बात निकाल दो, मतलब कोई सारी बातें निकाल दो एंड जस्ट थिंक अबाउट कि जस्ट इमेजिन एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स गोइंग द वे यू वांटेड टू गो लाइक, एंड जस्ट बी थैंकफुल. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है. यू नो वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट. इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है और आगे से आप ना शुक्रों वाली हरकतें कर रहे हो, इट्स नॉट राइट, इट शुडंट बी दैट वे. एनीवेज हमारे पास कॉल है. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? आसमा बात कर रही हूँ, क्या हाल है? आसमा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. अच्छा आसमा आपने पहली बार कॉल की है? नहीं ना, करती रहती हूँ. अच्छा करती रहती हूँ. ये बताएं आपका दिन कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अच्छा गुजर रहा है.
अच्छा गुजर रहा है, सही है। आगे के क्या प्लान्स हैं, रात के, कल के, कल फ्राइडे? हाँ बस अभी तो कोई प्लान नहीं है, कल तो अपनी मम्मा हाउस जाऊंगी, मतलब आई एम मैरिड तो उसके प्लान्स के बैक पैक हो रहे हैं अम्मा के घर जाने के। अच्छा सही है, दैट शुड बी फन। अच्छा ये बताएं कि आपने स्कूल में कभी ऐसा कोई काम किया है जो आप बैठ के आपको सोच के हंसी आती हो कि क्या किया था मैं? हाँ मैं सीनियर्स से बहुत फड्डे करती थी। सीनियर्स से? हाँ क्यों? सीनियर से बहुत फड्डे करती थी, मतलब है ना एक्चुअली जब ब्रेक में क्यू लगती थी, मतलब वो कुछ ब्रेक में अगर कैंटीन में जाना होता था तो जो सीनियर थे वो प्रिफेक्ट होते थे, तो वो कहते थे कि ना मैं अगर कोई क्यू में खराब है तो मैं उसको पैसे दे देती थी कि मेरे तुम ये ले आओ जी। वो मुझे देने नहीं देते थे, वो बोलते थे नहीं तुम भी क्यू में लगो, तो भाई मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स खड़ी हुई है क्यू में तो मैं क्यों लगूं, तो मैं उनको पैसे दे देती थी, वो मुझसे लड़ते थे नहीं ये तो गलत बात है तुम भी क्यू में लगो। मैंने कहा तो और ये लोग खुद जो प्रीफेक्ट्स होते थे वो खुद लाइन तोड़ के बीच में से लेते थे, तो मैं उनको जबरदस्ती लाइन में लगवाती थी। अच्छा तो मैं मुझे बड़ा याद आते हैं, मतलब फिर तो एक्चुअली उनसे फ्रेंडशिप भी हो गई थी सीनियर से, तो हम लोग एक्चुअली कभी भी ये बड़ा याद आता है कि मैं किस तरह तंग करती थी या उनको जबरदस्ती लाइन में लगवाती थी। हाँ, कि लाइन में लगो, उनको जिनको रूल्स फॉलो करने चाहिए वो खुद नहीं कर रहे। हाँ खुद नहीं करते, हमें कहते थे तो तुम भी बीच में क्यों फ्रेंड को दे रही हो, इट्स ओके ना हमको भी लाइन में लगने का दिल नहीं कर रहा तो हम फ्रेंड को दे दिया, बोलते नहीं लोग जो पीछे से खड़े हुए उनका क्या कसूर है। हाँ। तो मैंने कहा आप लोग भी लाइन में लगो। अच्छा सही है, बड़ा मजा आता था, मतलब और इस तरह सीनियर्स के साथ फड्डे करना, उनके साथ नोकझोंक करना, तंग करना उनको, मुझे तो याद आता है ना उनको भी एक्चुअली मजा आता था कभी कभी होती थी। अच्छा Hello guys, welcome back from the break. You are watching Girls Republic. You can call us live because we're sitting live over here. We're asking you a question. जिसके थ्रू आपको बैलेंस मिल सकता है, सो वी हैव टू डू इज कॉल करें और हमसे बात करें और बात करके हमें बताएं कि आपने स्कूल में ऐसा क्या काम किया है जो अब बैठ के आपको याद आता है और आपको हंसी आती होगी। सो दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, हमें कॉल करके बताएं। तो अगर हमें लगा कि फ़नी है कोई बात, आपने बहुत मजाक वाली बात की है, तो हम आपको जो है बैलेंस देंगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है, वो कौन सी बात है जो आपको परेशान करती रहती है, जिससे हर लोगों को, हर किसी को आजकल टेंशन्स रहती हैं, परेशानी, स्ट्रेस, दे जस्ट फुल ऑफ यू नो के इतना मेस्ड अप माइंड रहता है एंड यू जस्ट थिंक अबाउट के ये काम हो जाए वो काम हो जाए। सो इट्स लाइक के हर काम यूं नहीं होएगा, यू जस्ट स्नैप योर फिंगर्स एंड इट्स डन, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। आई मीन यू जस्ट नीड टू गिव इट अ बिट टाइम एंड इफ यू नॉट गोना बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट विद योरसेल्फ एंड विद योर डिसीजंस, आपके जो है आप गलत भी डिसीजंस कभी बार ले रहे हो कि आपको आप समझते हो कि जो डिसीजन आपने लिया है उसमें बहुत आपको टाइम लग रहा है, इट्स टेकिंग एजेस। अगर आपको लग रहा है कि उसमें बहुत आपको टाइम लग रहा है, इसका मतलब कि वो डिसीजन आपके लिए ठीक ही है अगर इतना टाइम लग रहा है। और कुछ डिसीजंस होते हैं जो यूँ आप लेते हो और फॉरन हो जाते हैं और उल्टा काम आगे से, इट टर्न्स आउट टू बी यू नो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आगे से नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं जिससे आप लोगों को कभी कभार डिसअपॉइंट भी कर सकती कर जाती हैं, जिससे आप अगर बहुत ही अगर उम्मीद लगा के आप कामों से बैठते हैं और आगे आपका काम जो है उल्टा हो जाता है। सो दैट्स ओनली बिकॉज आपको बिलीव भी तो रखना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हो साथ साथ आप बिलीव भी तो रखो अपने में भी, या अपने में भी जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन अल्लाह मोस्ट ऑफ ऑल। अगर आप अपना बिलीव नहीं रखोगे तो आपका काम जो है सही नहीं होगा। सो वी हैव गॉट अ कॉल एंड देन आफ्टर दिस कॉल आई एम होपफुली गोना रीड ऑल ऑफ योर मैसेजेस गाइस, सो या डोंट थिंक आई एम नॉट गोना रीड योर मैसेजेस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? महक बात कर रही हूं कराची से। महक कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, कैसे दिन गुजर रहा है? आज दिन अच्छा नहीं, टेस्टी गुजर रहा है। ये क्यों? आज दोपहर में मामा के हाथ की बिरयानी मिल गई है तो बहुत टेस्टी बिरयानी, मुझे भी बहुत भूख लग गई वैसे भी, और वैसे भी माँ के हाथ का जो खाना होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत टेस्टी होता है। एग्जैक्टली, चलो सेव मी सो महक, और ये बताओ कि आपने स्कूल में कभी ऐसा कोई काम किया जो आपको याद आता हो कि ये नहीं करना चाहिए, कभी रिग्रेट किया फनी काम? स्कूल में फनी काम तो पहला ही ये किया है कि हमने स्कूल में फनी पढ़ाई की है, मतलब क्योंकि वो हमेशा याद रहती है ना, पढ़ाई की है हमने। अच्छा पढ़ाई की है तो मजाक लगता है, पढ़ाई क्यों की है?
नहीं, एक टाइप का मजाक ही हो गया. और सेकंड बात ये कि हमने ना अपने सर, हमारे सर थे जो, वो बहुत मतलब कि बोलते थे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. वो एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन हमने क्लास में मैंने कह दिया कि ये हमारे सर सुहेल नहीं, सर चुड़ैल है. उनका नाम चेंज कर दिया. उनको पता था खुद? नहीं नहीं उनको पता चलता तो फिर हम लोग स्कूल में नहीं रहते ना, फिर डांट पड़ती बहुत, इसलिए किसी ने बताया भी नहीं. अच्छा, सही, that's funny. मैं और अभी तो आप स्कूल में नहीं हो ना? नहीं नहीं, अभी स्कूल में नहीं हूँ. अब कॉलेज में हो? जी कॉलेज में. अच्छा, तो कॉलेज लाइफ कैसी, उसमें आप करती हो इस तरह की मजाक वगैरह करती हो या नहीं? हाँ, कॉलेज में तो बहुत मजाक मस्तियाँ होती हैं, जो स्कूल में हमने इतनी मस्तियाँ नहीं की ना, वो कॉलेज में आके की कर की है. अच्छा, सही. ऑलराइट मैक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप जिस तरह अपनी लाइफ जो है स्पेंड करते हो, स्कूल लाइफ, बहुत ही उसमें मजाक करके, नो दैट लोगों के साथ प्रैंक्स करते हैं स्टफ. सो आई एम गोना बी रीडिंग आउट ऑल योर मैसेजेस इन अ बिट, बिकॉज आई वाज रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस. और इसमें आप लोग मैसेज लिखते हो, लेकिन आपको ये भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि हमारा नाम शो में बोले. आई एम जस्ट गोइंग ऑल अ बिट डाउन ऑन माय एनर्जी बिकॉज आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है. बट एनी वेज, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. द पॉइंट इज, आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि मैं आपका नाम शो में बोलूँगा. मैं शो में अगर आप मुझे कोई रिलेटेड टू द टॉपिक या क्वेश्चन कोई बात बोलोगे तो मैं आपका नाम जो है पढ़ सकती हूँ ऑब्वियसली. लेकिन आपकी जो खुशी, जिसमें आप लोगों की खुशी, वो हम कर रहे हैं ऑब्वियसली. सो इट्स लाइक वही ना, जिस तरह ये बात होगी आप लोगों को. एंड आई एम जस्ट काइंड ऑफ कंफ्यूज विद दिस क्वोट, दैट इज कि आप पहले लोगों की खुशी देखो, अपनी खुशी पहले इंसान ही देख सकता है. ये इसमें बहुत पहले फिर मुझे भी कन्फ्यूजन होती है कि अपनी नहीं, पहले अपनी नहीं सोचो, लोगों के बारे में सोचो, वो क्या सोचेंगे, नो दैट. सो आई डोंट रियली गेट दिस काइंड ऑफ लॉजिक. एनी वेज, okay, why your mood is serious today? Naya Zahir is asking me why my mood is serious today. I'm not in a serious kind of mood. Mera to mood serious nahi hai. Sabse poochhe yahan, mera mood serious hai ya nahi hai? Nahi hai, obviously. Agar aap, I think aap show nahi dekh rahe to aapko nahi pata. But anyways, okay, Fiza Ali ka message aaya hua hai. She's, let my messages load because it's taking a while. Okay, she's like watching your show live. You rock, babe, beauty overloaded. Thank you so much. अच्छा जी, उन्होंने हमें क्वेश्चन के रिलेटेड बताया है. Who is messaging me? My phone is vibrating non-stop. कभी कभार मैं जो है वाइब्रेशन जो है फ़ोन की ऑफ करना भूल जाती हूँ. यू नो व्हेन यू पुट योर फोन ऑन साइलेंट, जो आप भूल जाते हो कि वाइब्रेट पे है या नहीं है. आई जस्ट डोंट लाइक इट, दैट वाज पॉइंटलेस. अच्छा जी, आज की वीडियो हमारी सोबिया, कंग्रेचुलेशन सोबिया. में आधा मैसेज जो है मेरा रह गया फिजा का, मैं वो पढ़ लेती हूँ. आई हैव मेड माय फ्रेंड फ्लू बाय पुटिंग गम ऑन माय फ्रेंड सीट एंड व्हेन शी सॉ इट शी वाज रिमाइंडेड ऑन दैट वी सेड कम ऑन स्टैंड अप बट शी इन कांट. ओह राइट, ओके. अच्छा, उन्होंने चेयर के ऊपर कोई कोई ऐसी चीज स्टिकी कोई डाल दी थी जिससे वो बैठ गई, वो उठी नहीं, शी कुडंट गेट अप. सो दैट वाज काइंड ऑफ फनी फिजा. ओह राइट, आप लोगों के मुझे मैसेज आए जा रहे हैं जो कि मैं बाद में रिप्लाई करूँगी. मेरे कुछ जानने वाले भी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं ना आजकल, क्या हमें बस जीने नहीं देना है, बस टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स. आई एम जस्ट किडिंग गाइस, बट यू गाइस टेक केयर योरसेल्फ. होपफुली आप लोगों का वीकेंड जो अच्छा गुजरेगा, व्हिच इज फ्राइडे टुमारो. मेरे तो कोई प्लान्स होते हैं, एज यू गाइस नो आई एम जस्ट ऑलवेज एट होम, लेकिन प्लान्स होते हैं तो फैमिली के साथ होते हैं. बट एनीवेज, दैट वाज पॉइंटलेस. होप यू गाइस हैव अ रियली गुड डे अहेड एंड यू गाइस टेक केयर योरसेल्फ एंड आई विल सी यू लेटर.